हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ड्राइंग एपिसोड में, जिसमें हम करने वाले कुछ न्यू ट्रेंडिंग और अमेजिंग एनिमे आर्ट। एनिमे आर्ट हम नॉर्मल नहीं करेंगे, इसमें हम करेंगे डूडल एनिमे आर्ट, जिसमें आपको आएगा बहुत मजा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ हम पेंसिल और इरेजर यूज करेंगे आउटलाइंस ड्रॉ करने के लिए, जिससे हमारी ड्रॉइंग खराब ना हो। एक बार स्केच ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद आराम से इसमें कलर करेंगे। करेक्टर्स के फेस ड्रॉ करने के लिए मैंने लूमिस मेथड का यूज़ किया है, जो इजी बना देता है फेस ड्राइंग करने में। एक एक करके सारे करेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और शीट को पूरा भर देंगे। जिसने भी इन्हें पहचान लिया हो, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में इनके नेम ज़रूर बताना। अब स्टार्ट करेंगे कलर करने से, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। यहाँ हम एक्रेलिक ट्यूब कलर्स यूज़ करेंगे। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मेरे को पर्सनली वाटर कलर्स पसंद हैं। ये कलर्स यूज़ करते हुए आपको वाटर का बहुत कम यूज़ करना होता है, तभी ये स्मूथ फिनिशिंग देंगे। जिसे मैं कलर कर रही हूँ, इसका नाम है उमारू। इसका फेवरेट डायलॉग है, कोला पोटैटो चिप्स। सेकंड करेक्टर है गोकू। और
और इस छोटे से बच्चे का नाम है कोटारू। ये कितना क्यूट और मासूम सा है। यहाँ करेक्टर्स के फेस को पेंट करने के लिए हम मिक्स करेंगे व्हाइट, पोर्ट्रेट पिंक जिसे हम पीच कलर बोलते हैं, और लेमन येलो। इन सबको अच्छे से मिक्स करके इनसे मैंने सारे फेस पेंट करे हैं। और अब इनसे मेरे लिए ये है गोजो। ये है आस्था ब्लैक क्लोवर। ये है नारुतो। ये है शैतान बच्चा लूफी। चलिए मिलते हैं आनिया फोर्जर से। एक चीज बताऊं आपको, मैंने एनीमे कभी नहीं देखा बचपन में, लेकिन मेरे को इन सबके नेम इसलिए पता है क्योंकि मेरा फ्रेंड है जो एनीमे बहुत देखता है। उसे पूरे टाइम एनीमे देखना होता है। उसी ने मेरे को इन सबके इमेजेस और नेम शेयर करे हैं। मेरे को तो बचपन में शिनचैन, नोबिता और टॉम एंड जेरी पसंद था। आपको कौन सा पसंद था? इन सबको पेंट करने के बाद हम बैकग्राउंड को पेंट करेंगे। और लास्ट में इनके फिनिशिंग करेंगे आउटलाइनिंग करके। टाडा, हमारी अमेजिंग सी डूडल आर्ट रेडी है। इसे पेंट करके मेरे को बहुत मजा आया। ये बहुत वाइब्रेंट और कलरफुल बना है। आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए उसको मेरे को सजेशन देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, हैप्पी पेंटिंग।